2017 में हमने एक फिल्म बनाई थी सर, रोलैंड हिल एंड पोस्टल रिफॉर्म। इसमें डाक टिकट जो होता है, डाक टिकट के निर्माता सर रोलैंड हिल हैं जिन्होंने डाक टिकट शुरू किया था। तो इसमें जगमोहन जी के एक फंक्शन में मेरे को अवार्ड मिला था, तो मैं आ नहीं पाया था उसमें, तो आज इन्होंने से मिले। छत्तीसगढ़ मेरी फिल्म जो है, छत्तीसगढ़ न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री है। इसमें छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री नहीं है, न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री है, मतलब छत्तीसगढ़ के कॉइन्स में, छत्तीसगढ़ के जो पुराने ज़माने के सिक्के होते थे जो खुदाई पे मिलते हैं उसमें जो रहते हो, मेरे फादर के पास कलेक्शन है, जो मूवी के डायरेक्टर है डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, तो उसके कॉइन्स का डिस्क्राइब होगा इसमें। मतलब एक ब्लॉगर है वो आएंगी और पूरा इसके बारे में डिस्कशन होगा, लोगों को सिक्का दिखाएंगे और उसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे, इसलिए। ये डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म होगी, इसमें कहानी भी है और सिक्कों का डिस्क्रिप्शन भी है। तो एक रियल कहानी है कि कलेक्शन करते हैं तो ब्लॉगर को पता चलता है कि कलेक्शन कर रहे हैं ये रायपुर में, तो जानने के लिए होती है, फिर आके सिक्के के बारे में डिटेल पूरा पूछती है। तो ये स्टेप है छत्तीसगढ़ बॉलीवुड से प्राची देसाई जी हैं इसमें, जो क्या बोलते हैं, आके एक बार कलेक्शन हमारा एग्जीबिशन देख के गई थी, तो उनके सपोर्ट से हमने वो भी डाला है, वीडियो वाइट भी डाला है। हाँ, जो एग्जीबिशन देखने आई थी, हमारा कलेक्शन देखने आई थी, तो डाला है। और रितिका बदयानी जो एयर लिफ्ट में जॉर्ज की बेटी का रोल की है, उनका कास्ट है इस पिक्चर में, और उनका प्रॉपर स्टोरी कास्ट है। और अश्मिता अरोड़ा जो ब्लॉगर है, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा इसमें। ये मतलब फादर की कहानी पे बनाया गया है, जैसे जो अश्मिता अरोड़ा है वो एक वेबसाइट में देखती है फादर का आर्टिकल कॉइन्स के बारे में, जैसे फादर ने पीएचडी भी किया हुआ है हिस्ट्री पे, तो उनका आर्टिकल जो ब्लॉग डालते रहते, तो वो सोचती है कि फादर का ब्लॉग लिखा जाए, तो मेरे को कॉन्टेक्ट करती है कि ब्लॉग लिखते। तो मेरे मन में एक आइडिया था कि जब अश्मिता जी ब्लॉग लिखना चाह रही तो क्यों नहीं इसमें पिक्चर बनाया जाए और लोगों को भी दिखाया जाए, मतलब ये चीज़ आ रही है। डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, मतलब ये रिलीज़ भी करेंगे इसको, तो कहीं पर इसको दिखाने का इरादा है जैसे कि हाँ पूरे थिएटर्स में दिखाएंगे। यूएफओ से बात भी हो गई है मेरी, तो रिलीज़ के लिए मतलब करेंगे, सेंसर भी लेंगे इसका। प्रमोशन भी करेंगे, सर का आशीर्वाद, जगमोहन जी को मैंने इसलिए बुलाया कि इनका आशीर्वाद रहेगा तो अच्छे से होगा सब। नहीं ये मतलब वही, मतलब जैसे ब्लॉग उन्होंने लिखने के लिए कहा तो मेरे को लगा कि इसको क्यों ना सभी को दिखाया जाए, और इसीलिए वो किया। इसका हमारे साथ जगमोहन कपूर जी हैं, जो नगीना फिल्म राइटर है, नगीना बंजारन निगाह हैं। तो जगमोहन जी आज के चीफ गेस्ट हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे आप इनकी फिल्म के बारे में? इनकी फिल्म की जो बात है, सबसे बड़ी अमूल्य बात यह है कि जो चीज़ दबी हुई थी, जो सालों पहले सिक्के थे और राजा थे और उनके ये सिक्के थे, वो आज इनको उपलब्ध हुए। इनके पिताजी ने सबका उनको इकट्ठा किया और उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ जो हैं, न जाने कितनी कहानियाँ होंगी। अब वो कितनी उन्होंने जाहिर की है, क्योंकि मैंने फिल्म तो अभी देखी नहीं, उनकी डॉक्यूमेंट्री तो मैंने देखी नहीं, लेकिन एक बात है कि उसमें से बहुत सारी बातें निकल सकती हैं। आपने देखा होगा शिवाजी के सिक्के हैं, अकबर के ज़माने के सिक्के हैं, औरंगजेब के ज़माने के सिक्के हैं, पृथ्वीराज चौहान के टाइम के सिक्के हैं, तो उन सिक्कों से कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। और छत्तीसगढ़ किसी ज़माने में छत्तीसगढ़ 36 राज थे, और वो गढ़ जब बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो छत्तीसगढ़ बन गया, वो सारा का सारा गढ़ जो है वो इकट्ठा हुआ। तो वहाँ पर तो ख़जाना है, सिक्कों का ख़जाना है, कहानियों का ख़जाना है। अब ये कितनी चीज़ें आपके पास पेश कर सके हैं अपनी डॉक्यूमेंट्री में, या करने वाले हैं, या इसके बाद भी करेंगे, लेकिन इसके इनके पास बहुत बड़ा ज़खीरा है। और ये इन्होंने क्लास की हुई है हर तरह की, राइटर है, खुद एडिटर है, उसके साथ साथ असिस्टेंट है और प्रोड्यूसर है इनके पिताजी। तो एक घर के अंदर कितने गुणी आदमी अगर आपस में बैठे हुए हैं तो कुछ बहुत कुछ दे सकते हैं। और इस पिक्चर के अंदर, इसकी इनकी इस न्यूज़ के अंदर आप देखेंगे कि लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि रायगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत लोगों को कम बार मालूम है कि क्या है।
और इनके ज़रिए अब पूरे भारत के अंदर ये पता लग सकेगा कि ये छत्तीसगढ़ क्या है और इसके सिक्के क्या थे, यहाँ के राजा या यहाँ के जो सत्ताधारी लोग थे वो क्या थे किसी ज़माने में। और आज भी वो एक बहुत बड़ा प्रांत माना जाता है और बड़ा महत्व है उसका हर जगह के ऊपर, और बड़े विद्वान वहाँ से आए। मैंने देखा छत्तीसगढ़ से कितने नौजवान यहाँ काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, अच्छे अच्छे अहदों पे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी जगह से आए और एक अच्छी जगह से एक अच्छी चीज़ को लेके पेश किया इन्होंने पब्लिक के सामने, और मैं समझता हूँ ये बहुत पसंद आएगी और ये सक्सेस होंगे। हमारा आशीर्वाद इनके साथ है। और उनके पिताजी तो डॉक्टर हैं और वो भी नौजवान बहुत दिनों के अंदर आएंगे, और यंग हैं और उनके अंदर एक लगन है, एक जज्बा है। जिनके अंदर कुछ जज्बा होता है वो बड़ी से बड़ा काम कर देते हैं, और ये एक बड़ा काम लेके आपके सामने आए और आज बॉम्बे में ये सब आपको बता रहे हैं। लेकिन ये आने वाले कल में एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट को इन्होंने उठाया हुआ है, गांधी जी के बारे में। गांधी जी की कहानी नहीं बता रहे, लेकिन गांधी जी ने उस वक़्त क्या क्या किया और उनके जज्बात क्या थे या उनके असूल क्या थे या वो क्या चाहते थे, इन चीज़ों को किसी जिस तरीके से इन्होंने प्रकट किया है, ये एक राइटर की बहुत बड़ी बात है। ये राइटर है और इन्होंने उसको बहुत अच्छे तरीके से किया है। स्क्रिप्ट को मैंने देखा है, इसलिए मैंने बोला कि बहुत लगन से, बहुत प्यार से, बड़ी मोहब्बत से ये इन लोगों ने पहली पिक्चर बनाई है। और गांधी जी के ऊपर भी जो कुछ कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। सर जी, मैं तो संगीतकार, मुलाकात इनसे हुई तो वैसे मैं राजेंद्र सलील म्यूजिक डायरेक्टर हूँ और बड़ी बड़ी फिल्मों का म्यूजिक मैंने दिया है। शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी ये लम्हे जुदाई के, उसका गाना आज भी 14 साल पहले फिल्म रिलीज हुई आज भी गाना इतना पॉपुलर है कि आप 4-5 प्रांतों में तो वही गाना चलता है डेली हर फंक्शन में, बहुत बड़ा गाना है वो। और आपको एक वाक्य बताऊं कि जब जिस वक्त अभी नीतीश कुमार बिहार में जीते हैं तो हर फंक्शन में 10-20 बार गाना बजता था वो, और वही हुआ जो गाने में था। उसकी लाइन क्या है? ना उसकी लाइन है, अलका याग्निक और शाम का ने गाया है वो, कि पतली का मर जाऊँ मैं लचका दूँ सबके दिलों को मैं धड़का दूँ, पतली का मर जाऊँ मैं लचका दूँ सबके दिलों को मैं धड़का दूँ, लखनऊ और पटना में तकरार करा दूँ, राम कसम दिल्ली सरकार हिला दूँ, हाय हाय राम कसम दिल्ली सरकार हिला दूँ, पतली का मर जाऊँ मैं लचका दूँ। बहुत बढ़िया सर, फिल्म तो, के बारे में क्या शुभकामनाएं? फिल्म के बारे में ये शुभकामनाएं है कि ये फिल्म एक मैसेज देगी, एक हमारी संस्कृति को दोबारा से दोहराएगी, और इसमें जो इन्होंने सिक्कों का जो खोज की है 2700 साल पुरानी खोज आज तक वो कायम रखी है, ये बहुत बड़ी धरोहर है हमारी। हर व्यक्ति को इससे प्रेरणा मिलेगी कि हमें अपने देश की चीज़ को संभाल के और उसको एक नायाब तोहफे की तरह सजा के रखना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। ऑडियंस से यही है कि बस मतलब जब अभी 21 अगस्त को प्लानिंग है रिलीज़ करने का, तो सब कोई देखे और अच्छे से ध्यान से देखे।